लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के अगरपुर में सेवानिवृत्त शिक्षक सत्येंद्र शर्मा की मौत अपने अर्धनिर्मित मकान से गिरकर हो गई, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिलते ही भारी संख्या में वहां भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। लोग शव को लेकर शाहदुल्लापुर गांव पहुंचे। बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र के शाहदुल्लापुर गांव निवासी सेवानिर्मित शिक्षक सत्येंद्र शर्मा लालगंज बाजार स्थित अगरपुर में मकान बनवा रहे थे। इसी दौरान बुधवार को अपने अर्धनिर्मित मकान पर पानी की टंकी चढ़ाने आए थे, तभी अचानक छत से गिर गए, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बीते 30 नवंबर को नव सृजित प्राथमिक विद्यालय सैदनपुर से वे रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी पुष्पम पराशर वर्तमान में गांव के ही सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सत्येंद्र शर्मा बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी मौत के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। हुआ है सर, घटना तो बड़ा दुखद हो गया। जैसे हम जैसे शिक्षक के साथ उल्लापुर में जो नया घर बना रहे थे हम लालगंज में, और वहाँ वजह छत पर से बेचारे गिर गए, गिरे बेचारे उनका मृत्यु हो गया। ऐसे बड़ा दुखद घटना है मेरे गांव के लिए। घर परिवार में कोई और कोई आदमी रह नहीं सका इनके देख रेख करने के लिए, बहुत बड़ा समस्या हो गया। इनके जाने से गांव को कितना नुकसान? गांव को बहुत क्षति हुआ, ऐसे बहुत क्षति हो गया। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, पूरे शिक्षक समाज में भी मतलब दुखद घटना हो गई इसके साथ। ये कैसा इनका सब व्यवहार था? व्यवहार बहुत अच्छा था, व्यवहार था, व्यवहार तो काम बड़ा सा कुशल व्यवहार था सबके साथ। बेचारे बेचारे मिलनसार थे, सहनशील लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे बेचारे। इसे जाने से बहुत 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 क्षति हुआ, बहुत क्षति हुआ। वो सत्येंद्र शर्मा नाम था उनका, अगरपुर में घर बनवा रहे थे, धोखा से ऊपर से गिर गए हैं, इसलिए वो डेथ कर गए। उनका घर कहाँ था? शाहदुल्लापुर। ऐसे जानकारी आप लोग को हुआ है? फ़ोन पर सूचना दिया वहाँ के बगलगीर, ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। अभी एक साल पहले रिटायर किए हैं, उनकी पत्नी भी मास्टर है बगल के स्कूल में, बहुत मिलनसार थे। इनके जाने से कितने गांव में? अरे बहुत, पूरा गांव में आज खाना नहीं बन रहा, सब लोग दुखी है।